Assalamualaikum students, hope you are doing well. Accounting Circle के channel के ऊपर खुशामदीद. Student, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा cause behavior analysis का chapter चल रहा था और आज के lecture के अंदर हम exercise 2.8 solve करने वाले हैं और इसके अंदर हम cause behavior और high law method के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि किसी भी function के अंदर यानी कि cause behavior के अंदर या मिक्स कॉस्ट के अंदर हमने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग किस तरीके से करना है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि हुई चोंग ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट्स अ फ्लीट ऑफ डिलीवरी ट्रक्स इन सिंगापुर. सिंगापुर के अंदर वो क्या कर रहे हैं, डिलीवरी ट्रक्स का जो है वो कारोबार कर रहे हैं, वो चलाते हैं. ठीक है जी. द कंपनी हैज डिटरमाइंड दैट, कंपनी जो है वो क्या डिटरमाइन कर रही है, दैट इफ अ ट्रक इज ड्राइविंग, कि अगर एक ट्रक ड्राइव हो 1,05,000 किलोमीटर ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के अंदर, द एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 11.4 सेंट पर किलोमीटर. तो एक किलोमीटर पे उसकी जो एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी वो 11.4 सेंट्स आएगी. तो ये जो 1,05,000 है ये आपकी एक्टिविटी है कि जो वो चल रहा है. ठीक है जी. और 11.4 सेंट जो है वो आपकी कॉस्ट है. उसके बाद कह रहे हैं कि इफ अ ट्रक ड्राइविंग ओनली 70,000 किलोमीटर ड्यूरिंग अ ईयर, अगर ट्रक सिर्फ और सिर्फ 70,000 किलोमीटर एक साल के अंदर चले तो द एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट increases to 13.4 cents. तो एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 13.4 सेंट से पर किलोमीटर के हिसाब से. अब यहां पर आपको रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है, पहले रिक्वायर्ड में यूजिंग द हाई लो मेथड, के हाई लो मेथड को यूज करें, डिटरमाइन द वेरिएबल एंड फिक्स एलिमेंट्स ऑफ द एनुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रक ऑपरेशन. जो ट्रक ऑपरेशन है उसमें जो टोटल कॉस्ट आई है उसमें से वेरिएबल और फिक्स को अलग करके दिखाएं. ठीक है जी. सेकंड रिक्वायर्ड के अंदर वो आपको क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट इन द फॉर्म y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. इस कॉस्ट फंक्शन के अंदर आपने इसको रखकर बताना है कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स कॉस्ट कौन सी है, जो कि आपने पार्ट वन से निकाली होगी. उसके बाद आपको कह रहे हैं कि इफ अ ट्रक, अगर ट्रक वर ड्राइविंग 80,000 किलोमीटर्स ड्यूरिंग अ ईयर, व्हाट टोटल कॉस्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी इनकर्ड, कि अगर ट्रक पूरे साल में 80,000 किलोमीटर चले तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी टोटल कॉस्ट पूरे साल में कितनी इनकर्ड होगी. तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले केस की तरफ, जिसके अंदर हमने हाई लो मेथड से क्या करना है, अलग करने वेरिएबल को और फिक्स कॉस्ट को. तो हमारा फॉर्मूला जो होता है उसमें हम सबसे पहले हाई लो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट को अलग करते हैं और उसका पर यूनिट निकालते हैं या पर किलोमीटर यहां पर हम निकालेंगे. फॉर्मूला क्या होता है कि हाई कॉस्ट में से आप लो कॉस्ट माइनस करवा दें और हाई एक्टिविटी में से माइनस करवा दें आप लो एक्टिविटी और जो आंसर आए उसको आप डिवाइड करवा दें. तो किस तरीके से होगा, हाई कॉस्ट कैसे निकलेगी, कि ये जो हाई एक्टिविटी थी 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय उसकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही थी वो कैसे कितनी आ रही थी, 11.4 सेंट पर किलोमीटर. तो टोटल किलोमीटर से जो पूरा ऑपरेशन है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. और लो कॉस्ट कैसे आएगी, जो 70,000 वो कह रहे हैं कि अगर पूरे साल में चले और उसकी एवरेज कॉस्ट जो इंक्रीज कर जाए वो कितनी कर जाए, 13.4 सेंट पर किलोमीटर से, तो उससे आप मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो यहां पर आपकी हाई कॉस्ट आ जाएगी 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 11.4, तो ये आपके पास आ गया 11,97,000. और यहां पर 70,000 मल्टीप्लाई बाय 13.4 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9,38,000 आ जाएगा. और नीचे हाई एक्टिविटी में से लो एक्टिविटी माइनस करवा देंगे, हाई एक्टिविटी आपके पास 1,05,000 किलोमीटर की थी और लो एक्टिविटी आपके पास 70,000 किलोमीटर की थी, माइनस करवाया तो आपके पास आया 35,000 किलोमीटर का डिफरेंस. जब आपने इसको
माइनस करवाकर हाई कॉस्ट में से लो कॉस्ट को डिवाइड करवाया 35,000 से, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर कितनी आ गई, 7.4 किलोमीटर। ठीक है ना, जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर 7.4 जो डॉलर हैं या सेंट कह लें पर किलोमीटर के हिसाब से, वो वेरिएबल कॉस्ट के हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट हमें मालूम हो गया, अब इससे हम फिक्स कॉस्ट भी इजीली मालूम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब यहां पर आपके पास जो टोटल कॉस्ट थी हाई कॉस्ट के अंदर वो कितनी थी, 11,97,000, उसको आपने यहां रखना है। वेरिएबल के अंदर क्या रखेंगे, वेरिएबल के अंदर पर किलोमीटर की कॉस्ट आपने रखी और हाई एक्टिविटी से आप क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। मालूम करनी है, मालूम नहीं है तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 11,97,000 अभी एज इट इज रहेगा, 7.4 को 1,05,000 की एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी आ जाएगी, 7,77,000। और इस 7,77,000 को इधर लाकर माइनस करवाएंगे तो आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 4,20,000। ठीक है जी, और ये चीज एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, इसको आप लो कॉस्ट वाले अमाउंट से भी कर सकते हैं कि आप 9,38,000 रखें टोटल कॉस्ट के अंदर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर 7.4 वही रहेगा जो निकला है, और यहाँ पर लेवल ऑफ एक्टिविटी आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि आप 70 से करें तो यहाँ पर आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट भी 4,20,000 ही निकलेगी। क्यों, क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटी कोई भी हो आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। तो ये आप हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी से भी निकाल सकते हैं और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, अब हमने यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट तो निकाल दी 4,20,000 की, उसने कहा था सेकंड रिक्वायर्ड में कि एक्सप्रेस करो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को इन दी फॉर्म y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y यहां पर होता है आपका टोटल कॉस्ट, a आपकी फिक्स कॉस्ट, प्लस b आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होगी, जितनी चेंज होगी आपकी टोटल कॉस्ट पर भी फर्क पड़ता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू ए फिक्स कॉस्ट है, a आपका फिक्स कॉस्ट है जो कि कितनी निकाली थी 4,20,000, प्लस b आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो 7.4 रख दिया और x आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी है, इसमें आप लेवल ऑफ एक्टिविटी जितने रखेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी और आपकी टोटल कॉस्ट के ऊपर भी इसी तरीके से चेंज आता रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा फंक्शन था और सेकंड रिक्वायर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड में उसने कहा था कि अगर ट्रक जो है वो 80,000 किलोमीटर चले पूरे साल में तो आपकी टोटल कॉस्ट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी इनकर्ड होगी। तो थर्ड रिक्वायर्ड में यहां पर लिखा है मैंने कि इफ ट्रक ड्राइविंग 80,000 किलोमीटर चले, तो देखिए आपके पास फंक्शन मौजूद है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लेवल ऑफ एक्टिविटी कोई भी हो आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, 4,20,000 आप रख देंगे प्लस बी वेरिएबल कॉस्ट आपने क्या निकाली, ये रही 7.4, और लेवल ऑफ एक्टिविटी यहां एक्स में आप पुट कर दें 80,000 किलोमीटर, तो फिक्स कॉस्ट सेम एज इट इज आ गई 420, 7.4 को आपने मल्टीप्लाई करवाया लेवल ऑफ एक्टिविटी 80,000 किलोमीटर से तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 5,92,000, और उसमें आपने फिक्स कॉस्ट को प्लस करवाया तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड होगी इफ लेवल ऑफ एक्टिविटी विल बी 80,000 किलोमीटर तो 10,12,000 की आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो इनकर्ड होगी। सो आई होप कि आपको हाई लो मेथड आसानी से समझ में आ चुका होगा, लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज करने से टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है और इसका फंक्शन
टोटल कॉस्ट का किस तरीके से बनाया जाता है आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहां पर भी कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के पेजेस के ऊपर भी आप रابطہ कर सकते हैं।